शुरुआत कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राज्यपाल से मिले हैं कांग्रेस के पर्यवेक्षक। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर हैं वो राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे हैं। राज्यपाल से मिले हैं कांग्रेस के पर्यवेक्षक। इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कांग्रेस पार्टी पेश करेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा विधायक उनके चुनकर आए हैं, बहुमत उन्हें मिला है। और इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है कि हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल से मिले हैं कांग्रेस के पर्यवेक्षक, और स्वाभाविक तौर पर अब सरकार गठन की जो प्रक्रिया है उसमें रफ्तार आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रश्न ये भी कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा, इसको लेकर भी खींचतान मची हुई है। राज्यपाल से मिले हैं कांग्रेस के पर्यवेक्षक। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके लिए। हिमाचल प्रदेश में सरकार गठन की तरफ कांग्रेस पार्टी तेजी के साथ बढ़ रही है। ऑब्जर्वर जो है वो वहीं पर मौजूद हैं। भूपेश बघेल हों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों या फिर राजीव शुक्ला, तीन ये प्रमुख नाम हैं जो सारी चीजें तय कर रहे हैं। और इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि हिमाचल प्रदेश में जो पांच दावेदार हैं उनमें से किसी एक का नाम तय करना है आलाकमान को। किसके नाम पर मोहर लगेगी ये देखना होगा। हालांकि इस रेस में प्रतिभा सिंह अभी तक सबसे आगे हैं। इन सबके बीच ये तस्वीरें जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस के पर्यवेक्षक राज्यपाल से मिलने जिस वक्त पहुंचे, उनकी गाड़ियों का ये काफिला आपके सामने है। और अब ये सियासी कसरत तेज हो गई है। जो औपचारिकताएं हैं वो भी निभाई जाएंगी। राज्यपाल को चिट्ठी भी सौंपी जाएगी, विधायकों की लिस्ट सौंपी जाएगी, और सबसे महत्वपूर्ण है वो नाम, जो नाम मुख्यमंत्री पद पर आसीन होगा। तो तीन पंचे और पांच दावेदार, पंचों को फैसला करना है कि किसका नाम फाइनल होगा। इन सबके बीच कांग्रेस के नेता और सीएम पद के दावेदार मुकेश अग्निहोत्री का बयान आया। उन्होंने कहा कि आला कमान का जो भी फैसला होगा हम मानेंगे, वो फैसला मान्य होगा। सीएम पद पर पार्टी का जो फैसला होगा उस फैसले को मानेंगे। मुझे जिम्मा था कि सरकार बनानी है, हमने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया। हम कुर्सियों की दौड़ में नहीं दौड़ते, हम एक नेशनल पार्टी के सदस्य हैं, हम उस पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, हमें अपने हाई कमान पे पूरा भरोसा है। हाई कमान जो फैसला करेगी, उन्होंने मुझे 5 साल विधायक दल का नेता रखा और बहुत कुछ पार्टी ने दिया, और हमारा काम था पार्टी को पावर में लाना, हमने पूरा कर दिया है। अब हमारे हाईकमान को अपने विवेक से, अपने विजडम से फैसला करना है, वो फैसला करेंगे। तो आपने सुना, मुकेश अग्निहोत्री जो कांग्रेस के विधायक भी हैं और पिछली सरकार में नेता प्रतिपक्ष का पद भी इनके पास था, यानी कि कांग्रेस विधायक दल के नेता भी थे, उनका कहना है कि हमें जो जिम्मेदारी दी गई थी वो चुनाव जिताने की थी और हमने ये काम करके दिया है। अब आला कमान तय करेगा कि नाम कौन सा होगा। ये देखिए, ये पांच नाम है जो इस वक्त रेस में है। इनमें दो सबसे आगे हैं, प्रतिभा सिंह, और अगर प्रतिभा सिंह नहीं तो सुखविंदर सुक्खू। इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के नाते वो विपक्ष की आवाज बनकर मुद्दे उठाते रहे। चंद्र कुमार का नाम भी तेज चल रहा है, और सुधीर शर्मा भी एक गुंजाइश अगर कहीं से बनती है कि अगर सिर्फ फुटबॉल की स्थिति हो तो कोई वैकल्पिक नाम के तौर पर सुधीर शर्मा का नाम सुझाया जा सकता है। और इस वक्त एक और बड़ा अपडेट यह है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीत चुकी कांग्रेस को अपना सीएम चुनना इस वक्त मुश्किल पड़ता दिख रहा है। बढ़ती दावेदारी के बीच प्रदेश कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, उनका कहना है कि आला कमान ही तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। प्रतिभा सिंह का कहना है कि सोनिया गांधी ने उन्हें अध्यक्ष इसलिए बनाया था ताकि राज्य में चुनाव जीता जा सके। प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से काम किया और अब नतीजा सबके सामने है। खबर यह है कि कांग्रेस के पर्यवेक्षक राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। राज्यपाल से बघेल और हुड्डा दोनों मिलने के लिए पहुंचे हैं। दोनों ही पर्यवेक्षक हैं, ऑब्जर्वर हैं कांग्रेस पार्टी के हिमाचल प्रदेश में। भूपेश बघेल, देखिए तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है, और
भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके साथ ही राजीव शुक्ला जो आपको बीच में इस वक्त खड़े नजर आ रहे हैं, पार्टी के प्रभारी हैं, और एक लिस्ट राज्यपाल को सौंपी है राजीव शुक्ला, भूपेंद्र हुड्डा और भूपेश बघेल ने। ये विधायकों की लिस्ट है जो जीते हुए विधायक हैं, यानी कि एक तरह से दावा पेश कर दिया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से, विधायकों की लिस्ट सौंप दी गई है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और इसके आगे की जो प्रक्रिया है उसमें आगे बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण यही कि मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे, लेकिन जो औपचारिक प्रक्रिया है राज्यपाल को ये बताना कि हमारे विधायक हैं, पूरे विधायक हैं, बहुमत है और हम अब सरकार बनाने जा रहे हैं, वो दावा विधायकों की लिस्ट के साथ ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से पेश कर दिया गया राज्यपाल के सामने। राजीव शुक्ला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तीनों मुलाकात करने के लिए राज्यपाल के पास पहुंचे और राज्यपाल को वो लिस्ट सौंपी गई जिसमें सभी विधायकों का नाम है कांग्रेस पार्टी के जो चुनकर आए हैं, जीत कर आए हैं, और ये बताया गया कि बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी के विधायक चुनकर आए हैं। ये आपके सामने लिस्ट है और अब सरकार बनाने का दावा कांग्रेस पार्टी की ओर से पेश कर दिया गया, लेकिन अभी भी चिंता इसी बात की है कि किस व्यक्ति को कमान दी जाएगी हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि दावेदार कम से कम पांच तो हैं ही, जिनमें से दो ऐसे हैं जो बहुत ही मजबूती के साथ अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, खासतौर से प्रतिभा सिंह। वो कह रहे हैं कि वीरभद्र सिंह के नाम पर चुनाव लड़ा गया, निष्ठा के साथ चुनाव लड़ा गया। और इन सबके बीच हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधायकों की बैठक कुछ ही देर में होनी है, थोड़ी देर में होनी है, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के समर्थक पूरे जोश में हैं। प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने पर्यवेक्षक भूपेश बघेल की गाड़ी के सामने नारेबाजी की है, जरा तस्वीर आप देखिए, प्रतिभा सिंह के समर्थन में नारेबाजी हुई है। ये वो कार्यकर्ता है, वो समर्थक है जो चाहते हैं कि प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री बने और ताकत लगा रहे हैं, जोर आजमाइश कर रहे हैं, इसको कहते हैं शक्ति प्रदर्शन, और शक्ति प्रदर्शन हो रहा है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और यहां के पर्यवेक्षक, हिमाचल प्रदेश के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल की गाड़ी के सामने। एक तरह से उनका यह कार्केट है जिसमें मुख्यमंत्री है तो प्रोटोकॉल के नाते सुरक्षा भी उनके साथ चलती है, और उसके ठीक सामने प्रतिभा सिंह के समर्थक आए और उनके समर्थन में नारेबाजी की, जरा सुनिए। और अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, अमूमन होता यह है कि जिसे नेता चुन लिया जाए विधायक दल का, वो व्यक्ति लिस्ट लेकर जाता है, राज्यपाल को बताता है कि साहब हमारे साथ इतने विधायक हैं, हम सरकार बना रहे हैं, आप तारीख दे दीजिए, और तारीख के हिसाब से शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। लेकिन ये देखिए कि तीन जो प्रमुख लोग हैं, ऑब्जर्वर हैं, प्रभारी हैं, वो लिस्ट लेकर जा रहे हैं, इसके पीछे का गणित क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय विधायकों को इंटैक्ट करना ही बड़ा मुश्किल हो गया है कांग्रेस के लिए, क्योंकि एक धड़ा ये बोलता है कि हमें क्रेडिट चाहिए क्योंकि हमारे जो है नेता के नाम पर आपने चुनाव लड़ा और आप जीत गए। दूसरा ये कह रहा है कि आप जितने विधायक जो जीते हैं उनमें से चुनिए, मुख्यमंत्री उनमें से होना चाहिए, कोई पैराशूट लैंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसको लेकर काफ़ी विवाद है। अभी देखिए, बैठक होनी थी 12 बजे, फिर हुई 3 बजे, अब 6 बजे विधायक दल की बैठक है, फिर विधायक दल का नेता चुना जाएगा और तब होगा, क्योंकि विधायकों को इंटैक्ट नहीं कर पाई है कांग्रेस, और ये बहुत खतरनाक होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो इनके विपक्षी पार्टी है भाजपा, उनकी जो पोस्ट पोल मैनेजमेंट है वो इसी तरह, वो भी बड़ा ध्यान रख के देख रहे हैं, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि वो भी मौके की तलाश में है। अगर ये इंटैक्ट नहीं कर पाए तो बहुत नुकसान भी हो सकता है कांग्रेस को। बड़ी मुश्किल से कांग्रेस ने यहाँ पर जो है बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, आप अगर देश भर में देखें तो अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दे पाए हैं, और अब जो है उनके पास वो मौका है। अभी क्या हो रहा है कि अभी कुछ विधायक आप कह रहे हैं कि मेरे पास जो है आधे से ज़्यादा विधायक है, अगर हम सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात कर लें, ऐसे 6 नाम चलने शुरू हो गए हैं और हर कोई अपने अपने तरीके। बिल्कुल, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। देखिए, आप कह रहे हैं कि 6 नाम चलने शुरू हो गए हैं, 6 नाम वो चल रहे हैं जो जीत कर आए हैं, वो अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, और इन सबके बीच ये बीच की तस्वीर जरा देखिए, इसको जरा देखिए आप। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के बड़े नेता हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजीव शुक्ला कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं, लेकिन इनमें उन 6 नामों में से कोई नहीं है जो अपने आप को इस रेस में मानकर चल रहे हैं, जिनके पास उनके समर्थित विधायक हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास आधे से ज्यादा विधायक हैं, कोई ये कह रहा है कि हमारे पास 2/3 विधायक हैं, लेकिन उनमें से कोई चेहरा इस लिस्ट में शामिल नहीं है। और ये देखिए, वो 3 चेहरे जो 2 ऑब्जर्वर हैं और 1 प्रभारी हैं,
वो ये लिस्ट लेकर पहुंचे हैं राज्यपाल के पास और ये कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि विधायक दल की बैठक हुई नहीं, विधायक दल का नेता अभी चुना नहीं गया, लिस्ट पहुंचा दी गई और लिस्ट लेकर पर्यवेक्षक पहुंचे हैं राज्यपाल के पास। हमारे साथ अमित भारद्वाज।